वैसे आपकी बिल्डिंग में पानी वानी का कोई मसला तो नहीं है ना? हे, पानी का मसला है। अगर आप नलके को खोल देगी तो पानी तो खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप मजाक कर रहे हैं। मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। वैसे कैसा लगा मेरा मजाक? ये तो व्यूवर्स ही बताएंगे देखने के बाद। मुझे आप जैसे ही किराएदार का इंतजार होता है, मेरे घर का हुस्न बढ़ जाता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, अगर मैं कभी कभार चाय पीने के लिए आपके घर आ जाऊँ तो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आपको एक साल का एडवांस दे दिया गया है, लिहाजा आप जब अगले साल अपने और पैसे लेने के लिए आएंगे तो आपको साथ चाय भी मिल जाएगी, उससे पहले मत आइएगा। आप बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं। आप सीरियस ड्रामे के अलावा क्या कॉमेडी भी कर लेती हैं? नहीं, आप जैसे लोगों से मिलने के बाद कॉमेडी खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है मुझसे। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, आप मेरे को बताइए, मेरा फोन नंबर भी आपके पास है। और बात सुनिए, मैं आपको कभी कभार लतीफे व्हाट्सएप करूंगा। नहीं नहीं नहीं, कतन ऐसी हरकत मत कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि ऐसे मैसेजेस में पढ़े बगैर डिलीट कर देती हूँ। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। चले ना, फेसबुक पर ऐड कर लीजिए। मैं किसी को फेसबुक पे ऐड नहीं करती, खुदा का वास्ता। अब आप चले जाएं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैं जाऊं? जी। जी फरमाइए। मैं अंदर आके बात कर लूं? मुझे बड़ी शर्म आ रही है बाहर। जरूर। ये जो आप जैसी किस्म की चीजें होती हैं ना, ये औरतों से ज्यादा शर्मीली होती हैं। इट्स ओके। और सुनो, लोगों को भी तो देखे ना, किस तरह बेशर्मों की तरह छेड़ते हैं। हाँ। अच्छा खैर, किससे मिलने? वो आपने अखबार में इश्तिहार दिया था ना कि आपको किसी बेजरर साथी की तलाश है। मैंने तो कोई इश्तिहार नहीं दिया था। लो, मैंने तो पढ़ा है। वो किसी अमीर बुढ़े ने दिया होगा अपने अच्छे से मुलाजिम के लिए। पर इश्तिहार में तो यही एड्रेस था। और ऊपर से आप मुझसे आप करके बात ना करें, अजीब में मर्द सा महसूस करने लगा हूं। आपका एहसास? एनीवे, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे एहसासात का अंदाजा है मुझे। खैर, ये बताओ कि क्या क्या काम कर लेते हो? ख्वातीन के अच्छे खासे औसाफ हैं मुझ में, यानी कि खाना बना लेता हूँ, आपकी 10 चीज़ों में हेल्प आउट कर लूँगा, सब्जी वब्जी काट दूँगा, बुरे वक्त पड़ने पे कपड़े पहन के ट्राई करके बता भी सकता हूँ कि क्या सही है, इसमें क्या होना चाहिए। हाँ, और तो और, हाँ, मेकअप और हेयर दोनों बाएं हाथों का काम है। वाह, बड़ा आला भाई, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। आदमी? थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरा नाम शहरी है, यही कहें बस काफ़ी है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि कितनी तनख्वाह लोगे? पहले काम देख लो, मुतमईन हो जाओ तो जो दिल करे दे देना। ठीक है ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी मैं अगर तुमने अच्छा काम किया तो। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा कमरा है, ये किचन है, अपना सामान रखो कमरे में, किचन में जाओ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ, ठीक है? ओके। बाकी भी जरर से आया बेचारा, अपने कमरे में पहले जाने के बजाय किचन में चला गया। स्वीट। फरमाइए। आज आपकी अम्मी ने अपने पड़ोसियों से काली मिर्च मंगाई है, थोड़ा सा दही या फिर कड़ी पत्ता। You know what? I think तुम्हें इलाज की जरूरत है, रूहानी और नफ्सियाती दोनों। तुम्हें सीखना चाहिए कि घर आने वाले मेहमान से किस तरह बात करनी चाहिए और किस तरह के सवाल करने चाहिए। यानी कि अब आप मेहमान हैं। आइए 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 आइए। घर पे कोई नहीं है क्या?
आए ना सब अंदर ही हैं। वैसे मुझसे आपको कोई ऐसा खौफ खतरा होना तो नहीं चाहिए। मुझे खाली घर से खौफ आता है, खाली मर्दों से खौफ नहीं आता जिनके पास दिमाग हो और जेब भी खाली हो। नताशा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। नताशा नताशा नताशा, हाँ नताशा डायलॉग याद कर रही है। किस चीज का डायलॉग? बिन बिलाए मेहमानों से बातचीत क्या की जाए उसके। वेट, नंबर वन मैं बिन बुलाए मेहमान नहीं हूँ, मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। नताशा, सना कैसी हो, कितने दिनों के बाद चक्कर लगाया? हाँ वाकई, ये बताओ ये अधूरा इंसान कहाँ से ढूंढा है? पागल अधूरा नहीं है कि बहुत काम का है, सारे काम कर लेता है, खाना बना लेता है, मेकअप कर लेता है, हेयर स्टाइलिंग भी कर लेता है। वाओ, मतलब मर्द के जिस्म में औरत की रूह, हाँ कहाँ से बनवाया? ओह शट अप, चलो आओ अंदर बातें करते हैं। ऐसी क्यों घूर रही हो, लग रहा है गाय की तरह हलाल कर डालोगी। तुम्हें पता होना चाहिए था कि ऐबदार जानवर ईद पे हलाल नहीं किया जाता। एक्सक्यूज मी मिस नताशा, बकरों में इस ऐब को ऐब नहीं समझा जाता। लेकिन अगर घर में कुर्बानी की गाय ना हो तो इससे बड़ा ऐब कोई नहीं होता। तुम्हारा कसूर है सारा, एक इतना सा काम तुम नहीं कर सके शेरी। कम ऑन, तुम मुझ पे क्यों शोर मचा रही हो? मैंने एक नहीं एक गड़बड़ कर दी, उस पे चीख रही हो, चार काम थे चार। ये बताओ गाय वाला असली था कि नहीं? बोलो 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 बोलो। हाँ था, था ना? अच्छा ये बताओ गाय की तस्वीरें असली थी? बोलो नहीं अभी बोलो थी। और मुझे तुमने लौट दी था उनका, बोलो वो असली थी कि नहीं? ऑफ कोर्स थे, चार में से एक गलत होगी तो हाँ हूँ हाँ। इतने शोर मचा रही हो, माय गॉड, ईद पे इतने सारे मेहमान आएंगे और खिलौने के लिए कुछ नहीं होगा। कम ऑन, मतलब जरूरी है कि बकरीद पे तो उनको गोची ठुसाया जाए? शेरी अगर गाय वाला गाय ना लेकर आया तो आई एम टेलिंग यू तुम पूरे मोहल्ले में घर घर जाओगे और गोश्त इकट्ठा करोगे, समझे? ए साहब, ए साहब, मैं गोश्त मांगने से नहीं डरता, हाँ कसाईयों से डर लगता है ना, यूं होते ऐसे यूं करके। मुझे तो लगता है वो हमें चीट करके चला गया। सारा कसूर तुम्हारा है शेरी, तुम्हें मंडी जाना चाहिए था। ए साहब, जबान को लगाम दे साहब, मुझे मंडी जाने से डर नहीं लगता साहब। तो बड़े बड़े बैल होते थे, सो ह्यूज, रियली आई एम ओ स्केरी। क्या चीज हो तुम शेरी, किसको रख लिया? तुम सिर्फ मेकअप ही अच्छा कर सकते हो। No, that's too much. Limit. Balon makeup tak nahi pahunchna, please. Allah, tumhe kya ho gaya hai? ऐसा लगता है गाय के हलाल होने का सबसे ज्यादा दुख तुम्हें हुआ है। दुख नहीं, शर्मिंदगी। ना कबाब की खुशबू, ना बिरयानी की महक, ना कलेजी तलने की आवाज, बस कर दो। अब इस घर में कभी ये खुशबू नहीं आएगी। क्यों, चूल्हे में गैस नहीं आ रही क्या? नहीं, घर में गाय नहीं आ रही, हम चीट हो गए। उफ, तुम तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे गाय के पैसे तुमने दिए थे। नहीं, वो दरअसल गाय वाले को मेला आया था। तो अब कहाँ जा रहे हो, दूसरी गाय लेने जा रहे हो क्या? बकरीद है, घर में गोश्त होना चाहिए, तो मोहल्ले वालों से गोश्त लेकर आ जाओ। ओह माय गॉड, तुम मोहल्ले वालों से गोश्त मांगोगे? बाजी गोश्त दे दें, बाजी गोश्त दे दें, वैसे मांगोगे कैसे? कम ऑन, मैं कोई इतना दकियानूसी थोड़ी, मैं कहूंगा हेलो आंटी, हैप्पी बकरा ईद, मेरा गोश्त। तुम इतने ओवर क्यों? बाय बाय नताशा। ईद मुबारक। क्या हो गया है नताशा, मैं तुमसे ईद मिलने आई हूँ, तुम इतनी उदास बैठी हो जैसे तुम्हारी कोई गाय भाग गई हो। हाँ शेरी ने तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया है। Are you serious? तुम कैसे बेवकूफ बन गए? बस सना, मुझे उससे ना बहुत प्यार हो गया था, you know, अनदेखा प्यार। लेकिन गाय तो आई नहीं थी।
हाँ मतलब ख्यालों में प्यार हो गया था ना मुझे उससे। नताशा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू बेबी? नहीं मैं पागल नहीं हुई हूँ, खुद सोचो, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका खूबसूरत रंग और हिरनी जैसी चाल। गाय की हिरनी जैसी चाल? ऑफ कोर्स, अब मेरी इमेजिनेशंस में तो यही क्वालिटीज थी ना उसकी। ओह माय गॉड नताशा, मैं तुमसे ईद मिलने आई हूँ और तुम मुझसे गाय के गुण गवा रही हो। पूरे 1,00,000 रुपए की थी, मुझे मिल जाए ना वो इंसान तो खून पी जाऊं उसका। अच्छा तो तुमने मोहल्ले में शरी को गोश्त लेने क्यों भेजा है? मैं क्यों गोश्त लेने के लिए भेजूंगी उसको? हाँ शेरी कहाँ हो भाई? अरे मैंने गुस्से में कहा था कि गोश्त चाहिए नहीं चाहिए, फौरन घर पहुंचो, बस तुम जल्दी से घर पहुंचो। शेरी तुम्हें मना किया था फिर भी गोश्त उठा के ले आया क्यों? भाई जब तक तुम्हारा फोन आया मैं घर से गोश्त ले चुका। चलो अब ले ही आए हो तो कुछ बना लो। सना की बच्ची साइनसिस के बावजूद भी ये गोश्त की खुशबू मुझे कैसे बुलाती है। आय 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 कहाँ होगा, कहाँ छुपे हो, कहाँ हो? ओह आप फिर आ गए। अरे ईद का दिन है, ऐसी बातें नहीं करते, ईद के दिन गले मिलते हैं और आप जानती हैं कि मुझे ऐसे मौकों पे गाने कितने जबरदस्त याद हैं। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी। देखिए मैं हमेशा से ईद बहुत दूर से मिलती हूँ। हाय हाय इसी से मिल लेते हैं भाई, क्या करें। चलो तो फिर एक काम करो, कुछ गोश्त खिला दो, कुछ पसलियां, कुछ चापें, कोई पोटा, कोई कलेजी, कोई गुर्दे, कोई ब्रेन, कुछ तो खिला दो। हमारे घर में कुर्बानी का गोश्त नहीं है। कुर्बानी का गोश्त नहीं है? क्यों? क्या तुम लोग जानवर नहीं लाए? और जानवर क्या बिल्ली खा गई? और तुम जानवर इतना छोटा क्यों लाए कि वो बिल्ली खा गई? दरअसल हमारी गाय पहुंच नहीं सकी और बाकी की स्टोरी बहुत लंबी है, मैं नहीं बता सकती आपको। गाय क्या ट्रांजिट में थी, फ्लाइट पर आ रही थी गाय? बाकी स्टोरी आपको शेरी बताएगा। अच्छा ओके, आई विल फाइंड आउट माय सेल्फ। मगर आपको एक गाना गाना चाहिए था जो मैं सुना देता हूँ। आए हो अभी बैठ भैंसों के दर में आ, कुछ बकरे हिल रहे भैंसों के दर में आ, कुछ बकरे हिल रहे हैं। गाय चाहिए कुर्बानी के लिए, मुझे तो गाय चाहिए कुर्बानी के लिए। उदुम्बा हो 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 हो, उदुम्बा हो 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 हो, ऊंट का डांस मैंने तो देखा नहीं, ऊंट क्या है ये मुझको खबर ही नहीं, ऊंट का डांस मैंने तो देखा नहीं, ऊंट क्या है ये मुझको खबर ही नहीं। हाय जाने इनमें से कौन होगी, नैना, मोटू, ब्यूटी क्वीन, ब्लैक क्वीन, करिश्मा, फिजा, क्या कर रही होगी, तन्हा खड़ी होगी, रो रही होगी, डरी होगी। मो क्या तुमको भी किसी से मोहब्बत हो गई है प्यारे? ये देखो इनसे मोहब्बत हो गई। ये क्या है, ये तो गाय ही गाय है, नैना, नाजो, मोटो, ब्यूटी क्वीन, करीना, ये क्या है? ये गाय नहीं गाय है, इन्हीं में से एक हमारी भी, लेकिन वो हम तक पहुंची नहीं। क्यों नहीं आई?
पूरे 1 लाख रुपए दिए थे, पूरे 1 लाख डिलीवरी के लिए। कहा था आएगी, तेरे गेट पे आएगी, अपने पैरों पे चल के आएगी। ओहो दोस्त, गाय कभी खुद चल के नहीं आती। अगर आपको ढंग की कुर्बानी करनी है तो आपको चल के जाना पड़ता है मंडी और गाय खरीद के लानी पड़ती है। खैर तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास तुम्हारी सिचुएशन के लिए भी एक जबरदस्त बेहतरीन संगीत है। आगे उधर कर। हाँ तो गौर से सुनो और आवाज बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करना। गाय चाहिए कुर्बानी के लिए, मुझे एक गाय चाहिए कुर्बानी के लिए, तुम्हें एक गाय चाहिए कुर्बानी के लिए। चलो छोड़ो यार, ईद का दिन है, अपने सारे फजूल ख्यालात को साइड में रख के तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। आराम से गले मिल लो। आओ आओ। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एक दिन आएगा तू फिर गाएगा। बकरे के भी है दाम, ये घटते नहीं। वल्ला ये दुम पे पाँव किसका पड़ा है, क्यों काला भैंसा ये पीछे पड़ा है, डर लगता है मंडी आने में भी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बछड़ा है जी, तो बछड़ा है जी। पता नहीं कौन आ गया अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे घर में? क्यों, आप मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्या? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं देखिए मुझे तो बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे कुछ खुश नहीं लग रहे हैं, तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। मुझे तो खाने की कोई खुशबू नहीं आ रही। वो एक लंबी कहानी है। आप मुझे पता है, मुझे देख के परेशान हो रही है। अरे नहीं नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं क्यों परेशान होंगी आपको देख के? मुझे किसी ने बताया कि आप बिन बुलाए मेहमानों को देख के परेशान हो जाती हैं। हाँ वो देखिए वो तो आम लोग होते हैं ना, आप तो बहुत स्पेशल वाले मेहमान हैं। गलत, सरासर गलत। मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ और आप खुश नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। Thank you.